रूप दे, तुसी बैठे क्यों हो? डॉक्टर ने तानू रेस्ट करन वास्ते कहा ना। सरगुण, तू मेरे इन्ना हथा नू वड़ दे, क्योंकि इन्ना हथा नाल ही मैं डिवोर्स पेपर ते साइन किते ने। रूप दे, तुसी की कह रहे हो? हसी है ना, हसी हरमन जी जनू थोड़े तो कदे वक्त नहीं होंगे। मैं एक बार भी हरमन बारे नहीं सोचा। नहीं दी, तुसी रोवो ना, इहदे च तुहाडी कोई गलती नहीं है। मैं जानदी हाँ कि तुसी ए सब कुछ बीबी जी दे करके ते अपने पूरे परिवार वास्ते कीता है, पर एक साइन वीर जी नू ते तुहानू वख नहीं कर सकता। फिर तुहानू दोवां नू हमेशा दे लई जोड़न वाला भी तो आन वाला है। आन वाला है? कौन आन वाला है? सरगुण जी कैसी गल कर रहे हो तुसी? ते कौन मिलाएगा रूप दी ते हरमन जी जनू? ए मैं की बोल दिता, हुन की जवाब दवा? सरगुण जी जवाब दो, तुसी किहदी गल कर रहे हो? हर गल जाननी जरूरी हुंदी है कि साडी आपस ही लेडीज की गल भी तो हो ही सकती है, नाले इन्हा दोनों नू कौन जोड़ेगा? हरमन वीर जी दा प्यार जो कि दीदी दे लई है। मेरा मतलब यह है कि हरमन वीर जी जरूर आनगे ते दीदी नू लेके जानगे अपने नाल। तू ठीक कह रही है सरगुण, पर मैं एक बार हरमन जी नाल मिलके उन्हां नाल गल करना चाहनी हाँ। मैं जानती हाँ कि पेपर से साइन उन्होंने मम्मी करके किए ने, क्योंकि मम्मी जी उन्होंने तो कुछ भी करवा सकते ने। हरमन जी बहुत इमोशनल ने अपनी माँ को लेके, ते इस गल का मम्मी जी फायदा चुकते ने। दीदी तुसी फिक्र ना करो, असी वीर जी नू मिलन जरूर जावांगे। फिलहाल तुसी प्लीज अटेंशन छोड़ो ते कुछ खा लो, क्योंकि तुसी दवाई भी लेनी है। तुसी दवाई ना खान दे लेना, इधर उधर की गल्ला करके टाइम ना खर्च करो, क्योंकि मैं तुहानू बचपन तो जानदा, तुसी हमेशा दवाई खान लगे ना रोंदे हो। चलो जिदा मैं तुहानू बचपन तो फालतू जे जोक सुना के हसांदा सी ना, उदा दा ही मैं हुण कुछ करदा। रुपी तुम्हें पता एक बंदा सी, तो उन्हें डॉक्टर कहा कि डॉक्टर साहब मेरे ना ढिड च बहुत दर्द हो रही है। तो डॉक्टर साहब पूछते, अच्छा तुम शराब पीते हो? तो उन्हें कहा, हाँ पीता तो हाँ, पर ना पैक थोड़ा छोटा जहा बनाया। गल नहीं बनी, लगता एक दूजा जो पढ़ना ही पैना है। हाँ ए सुनो, एक ना कुड़ी होंगी है, वह ना रेस्टोरेंट जाती है तो वेटर को कहती है मैनू ना एक पिज्जा दे दो। तो वेटर कहता है कि मैं पिज्जा के चार पीस करा या अठ? वह कहती है तुसी ना चार कर दो, अठ च मैं मोटी हो जावांगी। सच्ची युवराज, तू किसी दे भी मुंह ते स्माइल लेके आ सकदा है। जो काम मैं नहीं कर सकी तू मिंटा च कर दिता। हेलो भाई जी, मैं बिमला आंटी नू हरमन जी जी दे ब्याह दी गल करदे सुने, ते अज उहनां दे घरे रिश्ते वाले आ रहे ने जी। हेलो, की होया युवराज? बहुत हो गया बिमला आंटी दी मनमर्जी, पहले उन्होंने हरमन जीजू ते रूप दीदी का डिवोर्स करवा दिता, ते हुण हरमन जीजू दे व्याह वास्ते कुड़ी वाले नू घर बुलाया। मैनू पता सी कि मेरी जिंदगी च खुशियां कदे आ ही नहीं सकदियां, मेरे जीण दा कोई मतलब नहीं है। तू मैनू मर जान दिंदी सरगुण, तू मैनू क्यों बचाया? तुसी प्लीज इदां ना को, असी वीर जी का दूजा विआह नहीं होण देंगे। हुण तां डिवोर्स पेपर ते साइन भी हो चुके हैं सरगुण, हुण कुछ नहीं हो सकता। तू मैनू क्यों बचाया ये दिन दिखाने के लिए? इदां मैं अपने घर वाले नू किसी होर नाल जिंदगी गुजारते नहीं वेख सकती। इदां रोज रोज मरण नालों चंगा मैं उसे दिन ही मर जाती। नहीं रूप जी, तुसी अज तो बाद इहो जिहे शब्द अपने मुँह चों कदे नहीं कटोगे। लाना तां मेरे ते जे मैं तुहाडा घर नहीं बचा सकता, ते तुसी फिकर ना करो, मैं हुण वेखदा कि हरमन जी जो घर रिश्ता लैके कौन आता है। उन्हें इसे वेले जा रहे बिमला आंटी के घर तेरे डिवोर्स पेपर पढ़। युवराज रुक जा, तेनू मेरी सौ, तू इधर कुछ नहीं करेगा,
सरगुण जी तुसी की कह रहे हो? तनु विकता नहीं पिया कि रूप दीदी किन्ने दुखी ने, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गल समझने की कोशिश कर, बिमला आंटी जी ने घर जाके की होएगा? जब बिमला आंटी जी ने तेरे उत्ते एक और केस कर दिता, तू तो जेल चला जाएगा, फिर तू स्वरूप दीदी की मदद करेगा? सानू ठंडे दिमाग नाल काम लेना पेगा। मैं ते रूप दीदी हरमन वीर जी दे कोल जावांगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर तो वह सब होवे जो पिछली बार होया सीगा। जे बिमला आंटी जी ने इस बार फिर तो तेरे उत्ते झूठा केस कर दिता, तो बीबी जी बिमला आंटी जी नूं छड्डणगे ने, ते इस वेले सानू बहुत सोच समझ के दोवां घरां नूं जोड़न की कोशिश करनी पेगी। इस दे लई सानू बड़े ही ठंडे दिमाग नाल काम लेना पेगा, क्योंकि गर्म जोशी नाल मामला हमेशा बिगड़ता ही है युवराज। क्यों करने सरगुण तू ये सब, कोई फायदा नहीं है। मैं बदकिस्मत हाँ, मैं बदकिस्मत रहांगी। ना युवी बिमला दे घर जाएगा, ते ना तू ते ना मैं। मैं इन्हां रोज रोज दी लड़ाइयां तो थक चुकी हाँ, तुसी लोग समझ क्यों नहीं रहे? नहीं रूप जी, सरगुण जी सही कह रहे ने, तुहानूं जाके गल करनी पेगी। की होएगा युवी उत्थे जाके? कुछ नहीं होने वाला, बिमला मम्मी किसी ना किसी तरह हरमन जी नूं दूजे व्याह लई राजी कर लैणगे, ते असी कुछ नहीं कर पावांगे। मन्या दी कि तुसी इह सब तों बहुत दुखी हो चुके हो ते थक चुके हो, पर तुसी वीर जी दे बारे सोचो, वो की सोचणगे कि जद सानू पता लग्या कि उन्हां दा दूजा व्याह होण जा रहा है, तो असी एक कोशिश तक नहीं कीती? जे वो सोचणगे कि डिवोर्स होण तों बाद तां रूप ने उन्हां दे बारे कुछ सोचा तक नहीं, डिवोर्स होण तों बाद ही वीर जी नूं तुसी भुल गए, ते ए सोच सोच के वो पूरी जिंदगी परेशान होंदे रहणगे, ते उपरों हरमन वीर जी नूं उस कुड़ी दे नाल व्याह कराना पेगा जिस नूं प्यार तक नहीं करदे। कि असी हरमन वीर जी दे प्यार खातिर इन्ना नहीं कर सकते? रूप दीदी तुसी एक कोशिश तो कर ही सकते हो ना? सरगुण तेरी हिम्मत वेख के ना मेरे अंदर भी उम्मीद जग जाती है। जे तू मेरे लिए इन्नी कोशिश कर रही है तो मैनू भी करनी चाहिए है। मैं उन्हें राजवी कह देना गड्डी कटन वास्ते, और तुहानू ते रूपदी नू बिमला आंटी घर छड़ देगा, ते सरगुण जी तुसी रूपदी नू दवाई खवा दो। आचर गड्डी कट, काम है। ठीक है पाजी, मैं बाहर हाँ, थोड़ी देर तक घर आना। ठीक है, तू छेती इतने पहुंच, तेन रूप दी ते सरगुण जी नूं लैके जाना। ठीक है पाजी। तिन्ना नूं कट्टे मौत देन दा इस तों वधिया गोल्डन चांस ना मैनूं किते नहीं मिलेगा। कार च बैठन वाले मेरे तीनों दुश्मन रूप, राजवीर ते सरगुण ब्रेका फेल होने तो बाद कट्ठे पर लोग सुधारेंगे। हाँ, कल दे अखबार च तिन्ना दिया सोनिया सोनिया फोटो छपन गया।
चलो, मेरा काम तो हो गया। लगता है तीनों मौत के रास्ते सवार होके जान ली तैयार ने। राजवीर तू एक काम कर, रूप दी ते सरगुन जी ना और हमें जिधर घर छोड़ दे। ठीक है भाजी। भाजी तुसी नहीं आ रहे नाल? दरअसल मैं जाना ते चाहना पर मेरी वोटी है ना वो नहीं चाहती कि मैं उन्होंने नाल जावा। हाँ जी हाँ जी, उदा भी तुसी सरगुन जी की गल टालन की गुस्ताखी तो करोगे नहीं। चंगा भाजी असी चलते हैं। चलो चैनल जायो। कल्ले कित्थे जा रही ने? खैर किते भी जान पर अज वापस तो नहीं आन किया क्योंकि अज इन्हां दा राम सत्य हो जाएगा। मेरे सारे दुश्मन अज कट्ठे ही मरणगे ते उस तो बाद युवराज मेरा हो जाएगा। राजवीर अगो दी लेफ्ट ले लेना ते जिथों दी लेफ्ट लोंगे ना उस तो अगला ही राइट। ठीक है भाभी जी। सरगुन मैं सोच भी नहीं सकती सी कि हरमन जी मेनू छड़ के दूजा व्याह करनगे। मैं ये इमेजिन भी नहीं करना चाहती कि उन्हां दी लाइफ च मेरी जगह कोई होर कुड़ी उन्हां दी वोटी होएगी। तेनू की लगता कि आपां ये व्याह रोक सकांगे? ओहो दी कोई व्याह भी नहीं होएगा, ये सब तो सिर्फ गल्लां ने। अज तो सिर्फ वीर जी दे घर कुड़ी वाले आ रहे ने, उस तो अगे कुछ नहीं होने वाला ते जे होया भी ना तो मैं हैगी ना रोकन वास्ते। राजवीर गड्डी थोड़ी स्लो चलाओ नाले सेफली। जी भाभी जी। हुन किद्दा दसा रूप दीदी नू कि ओ प्रेगनेंट ने? इस वेले ए गल उन्हां नू दसना ठीक नहीं है। उन्हां नू ए गल मैं घर जाके दसांगी। फिलहाल हरमन वीर जी दे घर जाना ज्यादा जरूरी है। ये हो की रहा है? गड्डी दी ब्रेक ही नहीं लग रही। भाभी जी गड्डी दियां ब्रेकां ही नहीं लग रही। ते गड्डी दा ना बैलेंस बिगड़ रहा है, की करिए? ब्रेक वीक है या फिर बिल्कुल काम नहीं कर रही? राजवीर तुसी ऐदा करो प्लीज, रेस तो पैर दूर रख के गड्डी स्लो कर लो। बस हुण इही होना बाकी रह गया सी। मेरे वर्गी बद नसीब दा नसीब सुधार दिया ना तुहाडी जान खतरे च पै गई। रूप दीदी ए तुसी की करी जा रहे हो? तुसी प्लीज होश आओ। मैं तुहानू क्या सीगा ना जो मर्जी हो जावे असी पूरी कोशिश करांगे अपने वालों। सानू कुछ नहीं होएगा, असी सही सलामत रहांगे। राजवीर तुसी प्लीज किसी भी तरीके गड्डी नू स्लो करन दी कोशिश करो। रूप दी तुहानू तुहाडे होण वाले बच्चे दी सौं लगे, तुसी प्लीज एदां ना करो। मेरा मतलब है कि जिस बच्चे नू तुसी खोया तुहानू उसदी सौं लगे। भाभी जी मैनू लग रहा है कि सानू ना गड्डी तो जंप करनी पाऊगी, ब्रेकां नहीं लगनी। नहीं नहीं राजवीर तुसी कुछ तो करो, गड्डी रोकन की कोशिश तो करो। तुसी रूप दी तुसी प्लीज आप सीट नू फाड़ के बैठो।
हे माता रानी जी, रूप दीदी दे कोख च पाल रहे बच्चे दी रक्षा करो। राजवीर तुसी प्लीज ट्राई करो, मेनू लगता है कि सानू गड्डी नू एहो जी जगह दे मारना पेगा जिथे गड्डी भी रुक जाए ते साडे सारे दी जान भी बच जावे। तुसी ठीक कह रहे हो भाभी जी। यही ठीक रहूगा। यूवी, यूवी। हाँ जी मम्मी। मैंने पता लग गया कि रूप ते सरगुण कितने बाहर गई हुई हैं। कितने गई ने तो मैंने दस्या क्यों नहीं? मम्मी थानू कितना पता लग गया? यूवी सवाल मैं पूछा तो इदा की मतलब तू नहीं चाहता सी कि मैंने पता लगे? इदा की कोई गल नहीं है, वो दरअसल ना हर रूप दी थोड़े उदास सी के ते बस सरगुण जी उन्होंने मूड ठीक करने लगे बाहर लेके चले गए। सरगुण का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ए कर की रही है, उन्हें पता ना रूप की तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर है, तो फिर उन्हें बाजार ले गई। फिक्र ना करो, गड्डी च गए ने, रूप की थोड़ा बाहर घूमन गए, थोड़ी बाहर की हवा लगेगी तो उन्होंने चंगा लगेगा। वैसे यूवी तू अपने गले च तख्ती पा लै कि तेरी वोटी जो भी कहती ना बिल्कुल सही होंगे, ठीक है? तो जे रूप न कुछ हो गया ना उदो जिम्मेवार कौन है? जब तक रूप दी सरगुण जी गए ना उन्होंने कुछ नहीं हो सकता। नाले तुसी टेंशन ना लो और दोवें सही सलामत छेती आ जाएंगे। आन की तो जरूर पर सही सलामत नहीं। पेट च दर्द तो नहीं हो रही? नहीं सरगुन मैं बिल्कुल ठीक हाँ, पर ए राजवीर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? राजवीर उठो तुसे ठीक हो? रुको मैं तुहानू पानी दिनी आ। रूप दी पानी? हाँ लो पानी पियो। तुसी ठीक हो ना? एक्सीडेंट की कोई खबर क्यों नहीं आई? कितना पता करा? रूप ने फोन कर दिया, जे एक्सीडेंट हो चुके होया तो पीड़ चो कोई ना कोई तो फोन चाक ही लेगा। शुक्र है रब दा किसी नूं सट नहीं लगी। हाँ वो तो है, पर राजवीर ए होया किवें? अभी कुछ समय नहीं लग रहा, मैं तो घंटे पहला चंगी तरह गड्डी चेक की थी, फिर पता नहीं अचानक ब्रेका किदा फेल हो गई है, नाले मैं वायरिंग भी चंगी तरह देखी सी। फिर तो ये हरकत एक इंसान दी ही हो सकती है, हरलीन, ये हरलीन दा सानू मारन दा प्लान सी। हरलीन दा ये प्लान सफल नहीं हो सकया,
इनू तो मैं बाद च दसांगी। फिलहाल हरमन वीर जी का रिश्ता तोड़वाना ज्यादा जरूरी है।